दोस्तों, जैसे कि आज मार्केट जो है कि फ्लैट क्लोज हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट लिया है, तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट जैसे कि आपको हॉल्ट लिया वो दिखता है या पॉज हुआ दिखता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या फिर अप ट्रेंड जो है कि कंटिन्यू करेगा। ए वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। और आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग कि 17 फरवरी को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आगे तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, डेली वीकली, और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस है, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पे निफ्टी देखिए कि बिल्कुल फ्लैट है और बैंक निफ्टी भी सिर्फ 200 पॉइंट डाउन है। तो जब कल के कंपेरिजन में हम लोग देखेंगे तो आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। तो ये फ्लैट मार्केट हो गया है, तो यहाँ पे ये जो कि अप ट्रेंड है रिवर्स होगा या ये कंटिन्यूशन होगा। तो कभी भी आप देखोगे एक मूवमेंट के बाद या फिर ब्रेकआउट के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है। निफ्टी में देखेंगे तो ज्यादा ये नहीं हुआ था, रनअप नहीं हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा रनअप हुआ था। तो उसके बाद वो फ्लैटनेस दिख रहा है। अभी हम लोग निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में जैसे कि निफ्टी ने एक रेंज ब्रेकआउट किया था जो कि रेंज था, और मोस्टली जब भी ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि जो ब्रेकआउट लेवल रहता है उसको फिर से रिटेस्ट किया जाता है। तो ये यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ है। अगर थोड़ा सा नेगेटिविटी होता तो जैसे मैंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव होता तो ये लेवल के नीचे क्लोज होता, और जैसे कि ये पूरा रेंज था, अगर ये रेंज के नीचे जब भी क्लोज होता है मार्केट, तभी हम लोग समझेंगे कि मार्केट थोड़ा एक नेगेटिव हो गया है, यानी कि 15,000 के नीचे, जैसे मैंने आपको कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये जो हॉल्ट मार्केट ने किया है, तो ये जो हॉल्ट है एक जैसे कि एक रनिंग के बाद इतना रनिंग हो गया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है, वैसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमारे नजदीक वाला जो टारगेट है 15,500 का टारगेट है। आज जो मार्केट ने हाई किया था और यहाँ हाई बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा एक फ्लैटिश क्लोजिंग दिया है, तो ये हाई हमको कल भी एक रेसिस्टेंस की तरह यूज हो सकता है। 15,428 के बाद ऊपर वाला लेवल 15,500 का यहाँ पे आ सकता है, लेकिन नीचे जो कि सपोर्ट है आज भी वो सपोर्ट लिया था 15,252 का जो सपोर्ट है, और नेक्स्ट 15,218 का एक यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये फिबोनाची लेवल है 100% का। तो ये नजदीक वाले यहाँ पे सपोर्ट है, दूर वाला 15,000 का ही सपोर्ट रहेगा जब तक कि मार्केट ये 15,000 के ऊपर है। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होता तो एक डाउन ट्रेंड नहीं आएगा, इतना याद रखना। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता तो उसमें ये जो है कि कभी कभी बीच में प्रॉफिट बुकिंग होता है और थोड़ा बहुत मार्केट हॉल्ट होता है। वैसे भी जैसे कि वर्ल्ड मार्केट भी कल और आज कुछ वर्ल्ड मार्केट बंद है, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे के लिए कल कौन से लेवल हो गए, और आज भी देखें कि मार्केट जो है कि अपने बाइंग जो लेवल था उसके ज्यादा ऊपर खुल गया। तो गैप अप में जब भी खुलता है तो मोस्टली हमको जो कि एंट्री करने का चांस नहीं मिलता, लेकिन नीचे आने के बाद ये लेवल फिर से ब्रेक किया और जो अपना सेल का लेवल था देखिए वहां पे इसने जो कि उसके नीचे दो कैंडल क्लोज नहीं दिया और वहां से ये रिवर्स हो गया। तो ये जो लेवल थे अपने सीधा नहीं वर्क हो गए तो उल्टा भी होते हैं, यानी कि सपोर्ट नहीं लिया तो रेजिस्टेंस लेते हैं या रेजिस्टेंस लिया तो सपोर्ट लेते हैं, तो लेवल उसी लिए होते हैं। वहां पे आपको अगर ट्रेड करने को आ गया तो भी आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। हम लोग कल के लिए अभी हमको बहुत ही अच्छा है कि दो लेवल के बीच में मार्केट क्लोज हुआ है, तो कल बाई करना है 15,338 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, सेलिंग के लिए 15,252 के नीचे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल भी मार्केट एक जैसे कि यहाँ पे साइडवेज रहने का चांसेस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो पैटर्न मार्केट का, एक ऊपर आने के बाद थोड़ा साइडवेज होता है, फिर से एक रेंज में यहाँ पे ट्रेवल करता है। तो ये रेंज पे ट्रेवल करेगा, लेकिन 15,428 के ऊपर अगर जाके क्लोज देता है तो एक अच्छा रैली फिर से हो सकता है। हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, थोड़ा सा हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट बड़ा करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा मूवमेंट किया था कल, और आज जो है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाया, लेकिन जब भी आप देखोगे कि पहला जो रेंज था तो इतना जो कैंडल है 6 दिन का जो मूवमेंट था एक ही कैंडल में किया था, तो उसके बाद एक प्रॉफिट आना, प्रॉफिट बुकिंग आना एक जैसे कि स्वाभाविक है। अभी यहाँ पे एक लेवल था 37,498 जो मैंने आपको कहा था, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है और अच्छा मूवमेंट देता है तो ऊपर वाले सब टारगेट आएंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे। नजदीक 38,557 का एक टारगेट है,
अभी जैसे कि आज का हाई बनाया, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और हम लोग 5 मिनट पे भी देखेंगे इंट्राडे के कौन से लेवल रहेंगे। नजदीक का जो सपोर्ट रहेगा 36583 और उसके नीचे 35531 के सपोर्ट हो सकते हैं। मेन सपोर्ट रहेगा 35500 का, तो ये मेंटेन है, तब तक कुछ नेगेटिव या फिर डाउन ट्रेंड आने का चांसेस नहीं है। इंट्राडे में हम लोग देखेंगे 5 मिनट के कैंडल के ऊपर के कौन से लेवल हमको कल के लिए रहेंगे, तो ये भी है कि एक इम्पोर्टेंस लेवल जो है, 5 मिनट का भी एक लेवल है और 15 मिनट का भी लेवल है। 37187 के ऊपर अगर कल जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। नीचे जो सपोर्ट का लेवल है 15 मिनट का मेरा लेवल है, 36750 के नीचे जाता तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलायंस, तो यहाँ पे रिलायंस देखिए कि जो अपना एक लेवल था एक्चुअली उसके ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली नहीं, फिर से ऐसे नीचे आ गया। और कल के लिए मैं इसमें कुछ जो है कि ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक अच्छा पैटर्न बना नहीं है। पैटर्न बनेगा तो मैं यहाँ पे कुछ जो मुझे समझता है ऐसा पैटर्न कुछ बनता है तो मैं आपको शेयर करूंगा। कल हमने कुछ एक दिए थे कॉल दिए थे इंट्राडे के लिए, तो बजाज फाइनेंस का जो है कि लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो जो मैं लेवल देता हूँ और अगर ब्रेक नहीं होते तो नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे भी होते हैं तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 10567 के ऊपर। ये आज उसने ब्रेक नहीं किया। SBI हम लोग देख लेते हैं, जो मैंने कल दिया था आपको, तो SBI देखिए कि ऊपर ओपन होने के बाद ऊपर एक गैप ही गैप अप हो गया, फिर ये नीचे आ गया। तो आपको जब भी शेयर ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तभी हम लोग मोस्टली बाय करते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा गैप अप ओपन हो गया था। उसके बाद टाटा मोटर्स का भी चार्ट देख लेते हैं। तो टाटा मोटर्स देखिए कि अपने लेवल के यहाँ से ओपन होके नीचे आया था, अगर 5 मिनट में आप देखो तो 15 मिनट भी यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ था। लेकिन HDFC बैंक जो है कि ये अपना कॉल चला, तो अगर हम लोग 4-5 भी कॉल ढूंढते हैं उसमें से एक आधा अच्छा चलता है, उसमें आप बाइंग कर सकते हो या फिर प्रॉपर प्राइजेशन दिखाता है। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग में इसने एक टारगेट यहाँ पे बना दिया था जो कि इंट्राडे में, और मार्केट भी फ्लैट था, तो मोस्टली ऐसे टाइम पे स्टॉक नहीं चलते हैं। कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे, तो पहला स्टॉक जो है कि ONGC का है। यहाँ पे नजदीक का जो हाई है उसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे कल आप देख सकते हो ONGC में जो रहेगा 104 के ऊपर इसमें एक बाइंग कर सकते हो। टारगेट आएगा 107 तक का, इसका टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हिंडाल्को, तो हिंडाल्को ने भी देखिए कि नजदीक वाला हाई जो है कि एक ब्रेक किया है, यहाँ पे जो हाई था हिंडाल्को कल हम बाय कर सकते हैं 307 के ऊपर। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, तो हम लोग इसको जो टारगेट देंगे 1% का ले सकते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लग रहा है यहाँ पे TCS, तो TCS में आप जो है कि सेल के लिए देख सकते हो। यहाँ पे नजदीक वाला सपोर्ट था उसने ब्रेक किया आज, तो उसको 3100 के नीचे सेल को देख सकते हो, ये राउंड फिगर भी है, तो इसका एक टारगेट आ सकता है 3042 तक का टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हैवेल्स, तो हैवेल्स में देखिए कि अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, और आई थिंक ये शेयर जो ये भी ऑल टाइम हाई है, तो ये ऑल टाइम हाई में इसने ब्रेक किया है, तो कल भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 1222 के ऊपर अगर आप इसमें बाइंग करते हो। तो पहला टारगेट हम लोग 1% का यहाँ पे रखते हैं। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज हैं, ऐसे कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे ही टेक्निकल ऐसे सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो, जो कि इसकी डिटेल आपको चाहिए तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट जो है stockgurudeepak.in वहां जाके आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।